Good morning, ladies and gentlemen. We welcome you to the graduation ceremony. Tension mat lo, wo aata hi hoga. Ceremony ka time ho gaya hai aur wo ab tak nahi aaya. No response. करना छोड़ दे तो छोड़ दूंगा, लोगों को गन दिखाकर लूटना छोड़ दे तो छोड़ दूंगा। मॉल में गन तो तेरे हाथ में थी मगर बुलेट तेरे पीछे खड़ी थी। अब तेरे पास दो ऑप्शन है, या तुझे मार दूं या छोड़ दूं, बता। Don't leave me, please leave me. Really? मैं हूँ राज, जो करता है अपनी जिंदगी पर राज। आज मेरे भैया भाभी का सपना पूरा हो गया, मैं ग्रेजुएट जो हो गया। अपनों के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। Come here, Peter.
तूने इसे गुस्से में मारा। गुस्से पर काबू कर, गुस्सा तेरी कमजोरी है और मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं है। डोंट वरी, जो हुआ सो हुआ। मुझे ये बता कि तूने बचपन में मैथ्स तो पढ़ा ही होगा। इस लड़की की उम्र क्या होगी? 16 years, दिन के 10,000 के हिसाब से हफ्ते के 70,000। 30 साल की उम्र तक हम कमाएंगे तकरीबन 4,80,00,000। इसे कितने में खरीदा था? मैं भी 1 करोड़। इसको लगी चोट की वजह से हमें सिर्फ 20 लाख ही मिलेंगे, पर अगर ये चिड़िया उड़ जाती तो 20 लाख भी फुर हो जाते। वेरी गुड। आर यू मैरिड? यस सर, 2 बच्चे भी हैं। तेरे बच्चे तो खैरियत से है ना? मुझे ये बता, ये नुकसान कौन भरेगा? पीटर, तुझे पता है मेरी टांग कैसे टूटी थी? मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। जब मैं बच्चा था, मेरा बाप दारू पीकर मेरी माँ को पीटता था। पिटाई से तंग आकर माँ घर से भाग गई तो मेरे बाप ने मुझे मारना शुरू किया। मैंने भी भागने की कोशिश की, और मैं कहीं भाग ना जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मेरी टांग तोड़ दी। जानता है फिर मैंने क्या किया? अपने बाप को ही लुढ़का दिया। सही किया ना मैंने? मैं एक और लड़की का बंदोबस्त कर दूंगा। ये हुई ना धंधे वाली बात। लड़कियां तो आसानी से मिल जाती, लेकिन तुझ जैसे वफादार कहीं नहीं मिलती। अगर अपने बाप से डर कर दोबारा भागता तो दूसरी टांग भी कमा देता। कुत्ता कितना भी वफादार क्यों ना हो, काटने पर उसे सजा देनी ही चाहिए। भैया, कैली कोलंबिया का माफिया डॉन है। एक छोटी सी बात पर उसने वहां के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया। ऐसे खतरनाक आदमी के साथ बिजनेस करना ठीक रहेगा क्या? छोटे दूसरे को ओवर एस्टिमेट करने के चक्कर में अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। टाइम जब मैं किसी से बिजनेस डील करता हूं तो मैं उससे खुद मिलता हूं। अगर मैंने डीलर से हाथ मिलाया तो समझो मैं बिजनेस करूंगा, और अगर मैंने हाथ नहीं मिलाया तो सामने वाला किसी से हाथ मिलाने लायक नहीं बचता। मैं भरोसे के लोगों के साथ ही बिजनेस करता हूं। मेरा भरोसा मत तोड़ना। तुम्हें मुझ पर भरोसा हो या ना हो, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं। मैं एक लौता सप्लायर हूं। आई हैव गर्ल्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज। सारी की सारी A1 है। 100 crores, 100 girls, 50 crores एडवांस, फाइनल, नो बार्गेन। इस बिजनेस में मैं भी पुराना खिलाड़ी हूं, लेकिन मैं कभी बार्गेनिंग नहीं करता। मैं तुम्हें एक लड़की की कीमत पूरे 2 करोड़ दूंगा। चार्ली, माय ब्रदर, ये सारी डील देखेगा। हम एक लड़की के बदले में तुम्हें 2 करोड़ देंगे, लेकिन हमें किसी किस्म का नुकसान पसंद नहीं। नुकसान नाम का शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं। हाय भैया। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आजकल तुम्हारी सुबह रात को ही होती है?
भाभी अच्छी खुशबू आ रही है। बिरयानी बनाई है। वाओ, आज कुछ स्पेशल है क्या? तुम्हारा ग्रेजुएशन पास करना कोई कम खुशी की बात है क्या? हम दोनों तो इस दिन का कब से वेट कर रहे थे। क्यों शर्मिंदा कर रही हो भाभी, 4 साल लग गए ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने में। हाँ तो क्या हो गया, कम से कम तुमने ग्रेजुएशन कम्प्लीट तो किया और इस बात के लिए पार्टी तो बनती है। पहले यहाँ आइए। कहाँ? आइए ना। क्या कर रहा है भैया? आप ही आइए। कहाँ ले जा रहे हो? कितने सवाल करती हैं, यहाँ बैठ जाइए। सरप्राइज। थैंक यू, इट्स सो प्रिटी, है ना राजी? देख रहे हो राज? भैया मुझे जहाज पर जाना है। तुम्हें उस जहाज पर क्यों जाना है? मैं जब भी मम्मी पापा के बारे में पूछता हूँ आप कहते हो वो वहाँ रहते हैं, चलो उनसे मिलते हैं। तुम मेहनत करके खूब पढ़ाई करो, एक दिन इंजीनियर बनना और एक बड़ा जहाज बनाना, उसमें हम मम्मी पापा को मिलने जाएंगे। इंजीनियर? पर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है भैया। तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। जब भी मैं मम्मी पापा से मिलने की बात करता भैया जहाज बनाने के लिए कहते, लेकिन मेरे असली माँ बाप तो आप दोनों ही हैं भाभी। तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते, इंडिया वापस मत जाओ प्लीज। भाभी मैंने कहा था ना ग्रेजुएशन के बाद इंडिया चला जाऊंगा, प्लीज मुझे मत रोकिए। सॉरी, आप रोइए मत, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। रहने दो, दोनों ऑप्शन तुम्हारे ही फेवर के होंगे। सिंपल है भाभी, आप भी मेरे साथ इंडिया चलिए, भैया हम दोनों के बिना रह नहीं पाएंगे और अपनी जॉब छोड़कर पहली फ्लाइट से इंडिया आ जाएंगे। अगर मैंने जॉब छोड़ी तो वो जान ले लेंगे मेरी। क्या भैया, कोई ऐसा झोल करो कि वो खुद ही निकाल दें। पैक कर दीजिए। कब तक शॉपिंग करोगी भाभी? जब तक शॉप बंद नहीं हो जाती। वो दिखाई। Hello? What? Sir, you're not supposed to be here, sir. मुझे skating सीखनी है. Please speak in English, sir. I want to learn how to skate. How do I go about it? You have to leave now. This girl, is she an instructor or is she a student? Hey, साले खजूर तेरे चक्कर में लड़की चली गई. Where is she? You need to contact our office. Who's your boss? Sitting. Hugging, kissing. You are the best employee. तो पहली वाली सेक्रेटरी कैसी थी? एथलीट थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी भागी कि अभी तक नहीं लौटी। तो आपने उसे पकड़ा नहीं? No, अच्छा हुआ भाग गई। उसके भागने से मेरी एक महीने की सैलरी बच गई। सर मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। सैलरी बढ़ा दूं? क्योंकि आपके कामकाज के अलावा मुझे ऑफिस का भी कामकाज देखना पड़ रहा है। ओके, ठीक है। चॉकलेट? नो। अरे ले लो। नो। सैलरी से नहीं काटूंगा। एक्सक्यूज मी, क्या है?
एक्चुअली सर मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। देख नहीं रहा कि अभी प्राइवेट इंटरव्यू चल रहा है? क्या देख रहा है? ये जो गोद में बैठी है आपकी बेटी है? बेटी? मेरे जैसा जवान आदमी की इतनी जवान बेटी कैसे हो सकती है? अभी बहुत काम पेंडिंग है, तो निकल, गेट आउट। सोफा पर चले, मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। कंटिन्यू। मॉर्निंग शो देखने आए हो क्या? एक काम कर, कुर्सी आगे खींच के 70 mm पर्दे के सामने कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न लेकर पिक्चर देख, चल निकल रहे। Yes, sir. Get out. फूल खिला नहीं मुरझाने आ गया। Darling. MMS बना रहा है। मेरा MMS बनाकर तो न्यूज चैनल वालों को बेचेगा ताकि वो ब्रेकिंग न्यूज बनाकर टीवी पे बार बार दिखाए। आज तक कोई मेरे टकले का एक बाल भी बाका नहीं कर सका। ओके, मुझे ब्लैकमेल करने की सोचेगा तो तेरा थोबड़ा ब्लैक एंड व्हाइट कर दूंगा। मेरा थोबड़ा क्या ब्लैक बोर्ड है जो ब्लैक एंड व्हाइट करोगे? इस कन्या के साथ जरा बिजी हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ। धमकी देंगे तो इसके हस्बैंड के पास जाऊंगा। क्या कहा? इसके हस्बैंड के पास? वो क्या बिगाड़ लेगा? बिगाड़ेगा नहीं, उखाड़ेगा। क्या उखाड़ेगा? मैं कोई पोल हूँ, उखाड़ लेगा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कपूर जी, चॉकलेट कपूर जी। ऐसी बात है तो पहले बोलना चाहिए था ना, पता होता तो ये रेलवे ऑफिसर तुम्हें तत्काल काम पे रख लेता। अभी अभी क्या बोल रहे थे वो? अब बिगाड़ लेगा? नहीं नहीं, मैं आपके लिए कटिंग चाय बनाने की बोल रहा था। ओ, दुश्मनी महंगी। मेरे पास बालों की कंघी नहीं है, बोला मच्छर जैसे मसल। मच्छर ताली बजा के मारने चाहिए ऐसे। चाय कॉफी क्या लेंगे? ज्यादा कुछ नहीं है, एक लड़की यहाँ रोज सुबह स्केटिंग करने आती है, उसका एड्रेस लूंगा। सिक्योरिटी प्रॉब्लम सर, नहीं दे सकता। कैन यू गिव मी योर हस्बैंड? अरे रुक जा रुक जा, हस्बैंड नहीं, एड्रेस, फोन नंबर, साइज, वेट सब बता। बताइए। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आ पाऊंगी। तुम्हारे डैडी की एक बिजनेस पार्टी है और मुझे उसे अटेंड करना ही पड़ेगा। तुम तो उन्हें जानती ही हो, हम दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। Priya, your dad is calling you. आखिर आत्महत्या क्यों की थी मम्मी ने? Profits are okay. Dad? Just wait. Priya. Forty countries, 25 industries, business around 5,000 crores. Mr. Amit, खानदानी लड़का है, मुझे लगता है तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। जनरली ऐसे लड़के 10,000 करोड़ वाली फैमिली में शादी करना पसंद करते हैं। You're lucky. जो वो शादी के लिए तैयार हो गया। Dad? 2 दिन बाद वो तुमसे मिलने आएगा, जस्ट फॉर 10 मिनट्स ओनली। उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। अगर मुझे पसंद ना आया तो? उससे फर्क नहीं पड़ता। कहाँ मिलेगी? मिल गई। किसी को मारने जा रही है या खुद मरने जा रही है?
पानी बहुत गहरा है, कूदोगी तो 100% डूब जाओगी। मरने का बेस्ट तरीका, लंग्स में पहले पानी भर जाएगा, हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, 2-3 मिनट में सीधे ऊपर। तुम कौन हो? अरे वाह, सुसाइड करने से पहले जान पहचान बढ़ा रही हो। सुसाइड? किसने कहा कि मैं सुसाइड कर रही हूँ? कैसी लड़की हो, कम से कम मरने के वक्त तो झूठ मत बोलो। मैं क्यों मरूंगी? वैसे मुझे इतना तो बता दो, तुम्हारी बॉडी किसके हवाले करूँ? देखो मेरे पास मत आना। मॉम, डैड या लवर? नहीं नहीं, लवर तो नहीं होगा। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, देखो वही रुक जाओ। तुम्हें नहीं लगता ब्रिज से कूदना ज्यादा अच्छा? पागल खाने से छूटकर यहाँ आए हो क्या? जोर से दबाओगी तो पानी की जगह दिल बाहर आ जाएगा। आ तो नहीं गया ना? क्या मतलब? तुमने ऐसा क्यों किया? एक्चुअली प्लानिंग थोड़ी गलत हो गई। मैंने सोचा कि तुम अपने होठों से मेरे होठों को चूमकर हवा भर दोगी, पर तुम तो वो छी छी। क्या तुम फिल्में नहीं देखती? तुम्हें तैरना नहीं आता तो कूदे क्यों? तुम जैसी खूबसूरत लड़की अपनी जान देने की कोशिश करे और मैं उसे ना बचाऊं, ये कैसे हो सकता है? और मुझे क्या पता कि पानी इतना गहरा होगा, वो तो कूदने के बाद याद आया कि मुझे स्विमिंग नहीं आती। गधा कहीं का। Yes, sir. What you want? Can I have those skating shoes? Yes. Thank you. Welcome. Please. Please save me. Run, run, run as fast as you can. I'm gonna catch you, a mighty bad man. Please save me. ये बच्चा तुझे बचाएगा। ओह, कॉफी। कॉफी ठंडी है यार। ये कॉफी गर्म है। ये कॉफी बिल्कुल ठंडी है। What's up, Charlie? Are the girls ready? Girls are ready. Please leave me. Payment? For God's sake, leave me. There you are. Yeah.
केली को इस बारे में पता है? केली इज इन कोलंबिया। मैंने उन्हें नहीं बताया। अगर उन्हें पता चलता तो इस वक्त तुम मेरे साथ बात करने के लिए जिंदा नहीं होते। थैंक यू। हमारे 200 करोड़ हमें वापस मिल जाने चाहिए। एक्चुअली हमारा काम तो पूरा हो गया। तुमने 200 करोड़ दिए और हमने बदले में तुम्हें 100 लड़कियां दे दी। अब अगर लड़कियों को तुम नहीं संभाल पाए तो इसमें हमारी क्या गलती? हमारी कोई गलती नहीं। बिकॉज आई एम अ जेंटलमैन। सेम टी टू डेज टाइम। द डील इज ओवर। रिटर्न द मनी एंड आई वांट माय मनी टुमारो। गुड, तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हें पता है मेरी टांग कैसे टूटी थी? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक्चुअली मैं एक अनाथ हूं। मैं एक होटल में काम करता था। 2 महीने बाद जब मैंने अपनी सैलरी मांगी तो मालिक बोला, तुमने क्या काम किया? दिखाओ मुझे अपना काम। पर जो काम हो गया उसे मैं दिखाता कैसे? मैंने मालिक से कहा, तेरी खिसक गई है क्या? होना क्या था, उसने मेरी टांग तोड़ दी। अगर डर कर मैं अपने मालिक को छोड़ देता तो वो मेरी दूसरी टांग भी तोड़ देता। अगर रहम दिखाकर तुझे छोड़ दूं तो 200 करोड़ का नुकसान। केली को इसके बारे में पता चला तो हम मारे जाएंगे। पता चलेगा तब ना। हम चार्ली को छोड़ देते तो वो अपने भाई को जरूर बता देता, पर चार्ली तो ऊपर वाले को प्यारा हो गया। प्रॉब्लम केली नहीं है, वो लड़का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी डेड बॉडी केली को दे देंगे और कहेंगे सारे फसाद की जड़ वो लड़का ही है। वो यकीन करेगा? यकीन दिलाना पड़ेगा। केली के भाई की डेड बॉडी गोडाउन में फेंक कर उसमें आग लगा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कॉफी। थैंक्स स्वीटहर्ट। इतनी फायर सेफ्टी के बाद भी बिल्डिंग में आग लग जाती है, कमाल की बात है ना। वैसे भैया ये आरडी कौन है? आरडी एक माफिया डॉन है। आपको कैसे पता? इसीलिए कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ाकर। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? फिर से लड़ाई की क्या? कितनी बार कहा है लड़ाई झगड़ों से दूर रहा करो, पता नहीं कब सुधरेगा। अरे छोड़ो ना भैया, ये लड़ाई भी कोई लड़ाई है? लड़ाई तो हम बचपन में किया करते थे। याद है उस टपोरी को कैसे मारा था आपने? हड्डी पसली एक करती थी। हाँ, मैं जिस होटल में काम करता था मुन्ना ने वहाँ चोरी की थी। मैंने जब ये बात ओनर को बताई तो उसने मुन्ना को निकाल दिया। मुन्ना इस बात से नाराज होकर अपने साथियों को लेकर हमें मारने के लिए दौड़ पड़ा। अरे भागते भागते हालत खराब हो गई थी। हम भाग क्यों रहे हैं भैया? अगर उन्होंने पकड़ लिया तो बहुत पीटेंगे। पर अगर हम उन्हें पीटे तो? अच्छा, सुना है आजकल तुम लोगों को बचाने के लिए पानी में कूद रहे हो, स्केटिंग शूज भी खरीद रहे हो। अब ऐसे देखते ही रहोगे या उसका नाम भी बताओगे? पता नहीं, पर वो तो मरने भी बहुत बड़ी गाड़ी में गई थी, बहुत अमीर है। नाम तो बताओ। मिसेस राज खन्ना। लेकिन अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड निकला तो? मुझसे मिलने के बाद कोई और लड़का? नो चांस।
छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए, प्लीज। पूरे 10 मिनट लेट आई हो तुम। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जितनी जल्दी हो सके हम शादी कर लेंगे, क्यों, क्या कहती हो? पर हमें एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए ना। वक्त ही तो नहीं है। You're beautiful, I'm successful, और क्या चाहिए? कल मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, टाइम पर आ जाना। मेरी स्केट्स क्लास है कल। Who cares? हेलो, ऑफ कोर्स बिजी नहीं हूँ, बिजनेस से ज्यादा मेरे लिए कोई चीज अहमियत नहीं रखती। कुछ पता चला? इंडियन होटल, रेस्टोरेंट, मॉल सब जगह देख लिया, वो साला लड़का कहीं नहीं दिखा। उसे ढूंढने बगैर मैं भैया को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। भाई बुरा ना माने तो एक आइडिया दूं। बोल। बॉस ने तो उस लड़के को देखा नहीं है, किसी इंडियन को मारकर बोल देंगे कि ये वही लड़का है। साले। भाई, 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 नहीं। तू मेरे नहीं, साथ नहीं, मिलकर भैया के साथ गद्दारी का प्लान बना रहा है कमीने। देखो तुझे नीचे। भाई माफ कर दो। मुझे वो लड़का किसी भी हाल में चाहिए, समझा कि नहीं? समझ गया भाई, समझ गया। चुप, कान खोल कर सुन, मुझे वो लड़का चाहिए। मुझे नहीं पता तू कैसे ढूंढेगा, पर मुझे वो चाहिए हर कीमत। ठीक है, अगर तूने उसे नहीं ढूंढा तो भैया तुझे नहीं मारेंगे बल्कि मैं मारूंगा। लेकिन भाई मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस वो सॉरी व्हाट्स द कॉफी हॉट? व्हाट डिड यू से? सॉरी, नो, आफ्टर दैट व्हाट्स द कॉफी हॉट? ये कॉफी गर्म है, ये कॉफी गर्म है। कहां ढूंढूं उस कॉफी वाले को? लगता है यहीं से सुराग मिलेगा। ये सुन, उस दिन की पूरी सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। ओके। उस लड़के को पहचान के अपने सब लड़कों में उसका फोटो बांट दे। एक्चुअली मिस्टर स्टीव। डैड, क्या मैं प्रिया, ये है मिस्टर स्टीव, मेरे बिजनेस पार्टनर।
ये मेरी बेटी अमित और प्रिया की बहुत जल्द शादी होने वाली है। ओह ग्रेट। डैड क्या? बीच में नहीं बोलते प्रिया, जाओ। मिस्टर स्टीव, मैं चाहता हूं कि ये बिजनेस डील मेरी हो और उसके लिए आपका जो हिस्सा है आपको मिल जाएगा। फैंटास्टिक, अब आएगा मजा। हेलो, सक्सेस पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी, जैसी भी हो अपने को क्या करना, लेट्स एंजॉय। हेलो, टेक ना, गले लग जाओ। ए, चॉकलेट वाले। मी? यस, ओ, ब्लैक एंड व्हाइट। ये मोहतरमा शेक की है। शेक की? वाइफ है। ओ, ये भी शेक की। इतने भी बुरी नहीं है। एक्सक्यूज मी, चॉकलेट लीजिए मैडम, मुंह मीठा कीजिए। आज पहली तारीख है, हम अपने प्यार का शुभारंभ करते हैं। ओ सेल्समैन, ये भी शेक की है। तो ये भी वाइफ है? यस। मलेशिया? शेक की। फ्रेंच? शेक की। जापान? शेक की। इटली? शेक। सिंगापुर? शेक की। शेक, सब किस्म शेक की बीवी। शेक ने तो हर जगह ब्रांचेस खोल कर रखे। ये शेक जिस कंट्री में भी जाता है वहाँ से एक बीवी मॉन्यूमेंट के तौर पर ले आता है। अरे इतने तो मेरे बैंक अकाउंट भी नहीं है। लोग तो एंटीक चीज कलेक्ट करते हैं, इसे तो बीवी कलेक्ट करने का शौक है। ये सबको अपनी बीवी बना लेगा तो हमारे लिए कौन बचेगी? तुम्हारे लिए बिलो 16 अबाव 16। 16 साल से छोटी, 60 साल से बड़ी। करेक्ट। और तुम्हारा क्या होगा? शेख है ना? शेख है? हाँ। मतलब एडजस्टमेंट। समझाता हूँ, सब समझता हूँ। चलो तुम्हें शेख से मिलाता हूँ। नहीं, 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 चलो, चलो। सिंगल ही ठीक। एक ठरकी ने उसकी बीवी को लाइन मारी तो उसने हाथ काट दिया, उसे पता नहीं था ना। थैंक यू बताने के लिए। बच गए। थैंक यू। नहीं, तुम लो, हैव इट नहीं यार। ए चॉकलेट, इधर देखो, ये है डार्क चॉकलेट। कैसी लगी? ये कौन? लेडी मुगेम्बो। लेडी मुगेम्बो? हाँ। डार्क चॉकलेट? हाँ। मुझे डायबिटीज है, तुम ही खा लो। ये यहाँ क्या कर रहा है? मर गया। ये एमएमएस यहाँ कैसे आ गया? निकल लेता हूँ। ये पूरम का चांद यहाँ क्या कर रहा है? चॉकलेट कपूर सर जी, आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस किसी को किडनैप करने आया। क्या बक रहे हो सर जी? किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग, ये सब आपने कौन से स्कूल में सीखा है? स्कूल नहीं, चॉकलेट सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट? वो लड़की दिख रही है, आज का मेरा सब्जेक्ट वही है। मैं उसे किडनैप करने वाला हूँ। मैं थोड़ा बाथरूम से आता हूँ सर। अरे चॉकलेट, इतनी भी क्या जल्दी है? किडनैपिंग होने के बाद मेरा कोई आदमी यहाँ होना चाहिए ना, सब कुछ संभालने के लिए। अगर मैं मना कर दूं तो? शेख को बता दूं तुम्हारा सेटिंग। शेख का भी एमएमएस बना लिया क्या? वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अरे क्या बात कर रहे हो, किस्मत फूटी है क्या मेरी? मैं तो तंबू गाड़ के बोरिया बिस्तर बांध के यही बस जाऊंगा। नहीं नहीं, टॉफी की दुकान आप चाहे तो जा सकते हैं। पागल कुत्ते ने काटा कि मैं यहाँ से जाऊँ। सर, गुलाम की एक रिक्वेस्ट है, जरा जल्दी आना। हाँ मेरे लॉलीपॉप, यू गया, यू आया। जब से शनि मेरे कुंडली में आया है मेरी सारी चॉकलेट पिघल गई। मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? कौन किसे फॉलो कर रहा है? मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं तो यहाँ ताजी हवा खाने आई हूँ। अच्छा, ये पार्किंग लॉट है मुंबई का जू बीच नहीं। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आई। ओके, पर मैं तो तुम्हारी वजह से आया हूँ। मतलब? समझाता हूँ। मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो मेरे बोर होने तक तुम मेरे साथ रहो, या तुम्हारे बोर होने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
40 मिनट में पार्टी खत्म होने वाली है। ज्यादा है, मुझे सिर्फ 30 मिनट। अगर मैं पार्टी से गायब हो गई तो लोग मुझे ढूंढने लगेंगे। अगर तुम्हें लोगों की इतनी फिक्र होती तो तुम यूं मेरे पीछे नहीं आती। इतना हैंडसम लड़का तुम्हारे साथ बैठा है, जरा कस के पकड़ो। लाइफ में इतना टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। अब से 30 मिनट में तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। एंजॉयमेंट के लिए कुछ तूफानी करना पड़ेगा। मतलब? मैं चोरी नहीं करता। अरे तू रूप की रानी, मैं चोरों का राजा। Are you ready? जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं। What next? यहाँ क्यों आए? अगर हार गए तो 5,000 कमाएंगे, पर जीत गए तो 10,000 कमा सकते हैं। तो तुम 5,000 गवाओगे या 10,000 जीतोगे? ना मैं 5,000 से गरीब हो जाऊंगा और ना ही 10,000 से अमीर। क्यों, उसे देख के तुम्हारी फट गई? इससे फूंक मारो तो उड़ जाए। तो क्या सोचा? वो टेक्निक से लड़ता है, मैं दिल से लड़ता हूं। वो मुझे हराने के लिए लड़ेगा, मैं उससे जीतने के लिए लड़ूंगा। वो पैसों के लिए लड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। इसे हराने में ही तुम्हारे 30 मिनट चले जाएंगे ना? 30 सेकंड काफी है, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, उस सांड के साथ नहीं। हम वहां बैठ जाते हैं। इतने टेंशन में क्यों उजड़े चमन? सर, क्लास में कोई है। इसमें अब देख, अब ये मेरे कब्जे में है, तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तू ऐश कर, डायरेक्ट बोतल से पी, ग्लास से बिल्कुल मत पी, समझ गया? नो। खाना पहले चेक कर लिया करो। कैसे चेक करना चाहिए? सबसे पहले देखो कच्चा तो नहीं है ये, ऐसे देखना दंधन। अब मसाले की महक देखो। मसाला असली है, टेस्ट में पास हो गया, अब खाओ इसे। बर्ड फ्लू का बहुत खतरा है, चेक करके खाया करो। क्या ये स्पेशल स्वीट डिश है? राज के लिए ये डिश हमने स्पेशली इंडिया से मंगवाई है, बहुत टेस्टी है। थैंक्स, वेलकम। स्टे ट्यून। रुक जाओ, उसे मत खाओ।
ये आइटम बहुत गोल है, इसका लुक साइज शेप बड़ा ही डामाडोल है। नमक मिर्ची का इसमें झोल है। मैं इसे पहले चखूंगा, प्रॉब्लम हुआ तो आपको नहीं दूंगा। चलो तुम्हारी बारी है, ट्राई करो। तीसरा वाला, दूसरे वाले पे तो मेरा नाम लिखा है। ओके बाय। खाना तो हो गया, पीना बाकी है। क्या हुआ मेरे देवदास? क्या बताओ, मेरी किस्मत बहुत खराब है। थाम्बा, क्या है ये? टकीला शॉट है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अरे क्या? पहले हाथों पे नमक डालो, फिर अपनी सांसें रोक लो। अच्छा? कुछ इस तरह नाक और मुंह दबाकर इसे गटक लो। टू हॉट। और कुछ सीखना है तो मेरा नंबर लिख लो। क्या कर रहा है मेरे भाई? पब्लिक के बीच में मेरा इज्जत का फालूदा क्यों कर रहा है? घोड़े जितना होके बच्चों की तरह रो रहा है। मैं बैंक के लिए नहीं रो रहा हूँ। क्या हुआ मेरे भाई? अपनी किस्मत में रो रहा हूँ। मेरी पहली बीवी भाग गई, मेरा बिजनेस भी डूब गया। जिस बैंक में पैसा जमा किया था वो बैंक भी बंद हो गया। सोचा शराब में जहर मिला के मर जाऊँ, वो भी तुम। जहर? यू मीन पॉइजन? तुम्हें शक है? तुम नहीं बचोगे। एक और लेगा? अबे दारू की जगह जहर पिला दिया तूने। नो नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हें सबक सिखाना था इसीलिए हमने ये सब प्लान किया। मतलब अपनी सेंचुरी पक्की है? तो आज रात की पार्टी मेरी तरफ से। ये बजा। अरे करण, तू वही है ना जो जौहर दिखाता है? नो। यस, करण नहीं तो क्या कुंभकर्ण है? छह महीने से सोए नहीं लगते। लो चॉकलेट खाओ, फोन मैं संभालता हूँ। माय फोन। अरे खा ना चॉकलेट, इससे अच्छी बॉडी बनती है। फोन वापस दो। इतना भारी फोन है रे, अंदर चार चार सिम है क्या? चारों सिम मैं संभालू। फोन वापस दे रहे हो कि नहीं? मतलब बिल भी मैं ही भरूंगा। हेलो हेलो, स्विस चॉकलेट फैक्ट्री, कृपया बैलेंस चेक करे। फालतू फोन। इतने नाम सुना, चार चार सिम लेकिन बैलेंस चार आना भी नहीं। तुमसे मिलकर खुशी रहे, गम मिला। हेलो भाई, सीसीटीवी की फुटेज आ गई है। ठीक है, आ रहा हूं मैं। साला ये तो अभी भी 2 मिनट बाकी है। नाम नहीं बताओगी? तुम्हें तो पता है। अब बता भी दो। प्लीज प्रिया। तो कल कहाँ ले जाओगे? कार रेसिंग। कल 1 घंटा। यस यस, यहाँ मेरी जान जल रही है। ए जानू। हाय हाय। हे प्रिया। हे अमित, कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। What? हाँ।
एक्सक्यूज मी। फॉरवर्ड कर थोड़ा और। स्टॉप, पीछे जा पीछे। ये क्या देख रहा है? आजकल तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। शादी के पहले तो ऐसे नहीं थे। अरे तुम तो जानती हो। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, लेट आऊंगा। जान सकता हूँ कि साहबजादे जा कर रहे हैं प्रिया से मिलने। सीखो कुछ इससे। बाय बाय बाय। एक टाइम था तो मेरे कितने दीवाने थे। याद है मेरे पापा ने तुमसे क्या कहा था? डैड, आई फिक्स द मीटिंग विद लेमन ब्रदर्स। ओके बेटा, गुड। राजीव को सैलरी मैं देता हूँ। राजीव वही काम करता है जो मैं कहता हूँ। वो एक अच्छा लड़का है और मेहनती भी है, मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो मैं तुम्हें इंडिया से अमेरिका क्यों लाता? अपनी प्यारी बेटी के लिए मुझे तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। काम तो होता रहेगा। जाओ तुम दोनों घूम आओ। कैरियो। थैंक यू डैड। तुम इतने प्यार से रुकने को बोलोगी तो कौन कमबख्त जा पाएगा? आज ऑफिस की छुट्टी, हैप्पी। हेलो, सॉरी सर, थोड़ी देर हो गई। आई बी देयर सर। ओके, सॉरी यार। ओके, पर शाम को जल्दी आ जाना। मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? वेट, हे प्रिया, क्या हुआ? तुम चाहो तो लाइट बंद करवा देता हूं। हे प्रिया, भाई की मौत का मुझे बहुत अफसोस है। जब मेरा भाई मरा था तो मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। मुझे इन्फॉर्म ना करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे भाई के कातिलों को ना पकड़कर उससे भी बड़ी गलती की है तुमने। देखो, अगर मैंने कोई गलती की होती तो मैं यहां नहीं बैठा होता। तुम्हें सारी बातों का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा होता। अगर तुम्हारा 200 करोड़ का नुकसान हुआ है तो मैंने भी तो 100 लड़कियां गंवाई है ना। नुकसान हम दोनों का हुआ है, जिसका एक ही इंसान जिम्मेदार है। हम दोनों का दुश्मन फिलहाल खुलेआम घूम रहा है। साला मिल गया। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो छोड़ो, तुम प्रिया से मिलने गए थे ना? हाँ गया था, पर वो किस बात से नाराज होकर चली गई कुछ याद भी नहीं आया। भैया क्या कर रहे हैं? क्या संभाल के चलाना। हाँ।
मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। What? Story. बचपन में मेरे पापा ने मुझे सिगरेट लाने के लिए भेजा। जब मैं सिगरेट खरीद कर वापस आ रहा था तो एक साइकिल वाले ने मुझे टक्कर मार दी और साली वह सिगरेट गटर के अंदर गिर गई। जब मैंने ये बात अपने पापा को बताई, मेरी बात पर उन्होंने यकीन ही नहीं किया और तोड़ दी। पता है उसके बाद मैंने क्या किया? मैं उस गटर में वापस गया, सिगरेट निकाला, उसे धोया और उसे सुखाकर अपने पापा को जाकर सिगरेट वापस कर दिया। मैंने अपना काम पूरा किया। हो गया। तुम्हारा भाई मेरे भाई जैसा था। अगर मेरे हाथ में होता भैया, तो मैं उसे मरने नहीं देता। सही कहा तुमने, तुम्हारा भाई मेरे भाई जैसा है। अब दोनों मर चुके हैं। अब मेरी बात जरा अपने दिमाग में उतार लो। मुझे वो लड़का जिंदा चाहिए, वरना तुम कभी किसी को स्टोरी सुनाने के लायक नहीं रहोगे। समझ में आई बात? आरडी, मैं स्टोरी में नहीं हकीकत में बिलीव करता हूं। तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है। उस लड़के को 3 दिन में पकड़ो, वरना तुम्हारे बॉस के साथ सबकी अस्थियां साथ साथ बहाई जाएंगी। चलो। अगर कोई तुम्हारे भाई को इस तरह मार दे तो तुम क्या करोगे? तुम उसकी बॉडी को जलाओगे या दफनाओगे? माइकल बहुत लकी था राजीव, उसे आग में जलने का दर्द महसूस नहीं हुआ। पर उस लड़के को जीते जी जलने का दर्द क्या होता है, मैं महसूस करवाऊंगा। अगर मैंने उसे पकड़ने का काम तुम्हें सौंपा होता तो मेरा भाई आज जिंदा होता। मैं उसे पकड़ूंगा सर। पकड़ना मत उस कुत्ते को, खत्म कर देना। ऐसी मौत देना कि उसकी रूह भी पनाह मांगे, और मारने से पहले उसे याद दिलाना कि उसने ऑर्टिस से पंगा लिया है। मेरे खेमे में कायरों के लिए नहीं, जाबाजों के लिए जगह है, और मुझे तुम्हारी जाबाजी पर पूरा यकीन है। राजीव, तुम ये काम कर सकते हो। दस साल पहले तुमने मेरे लिए अपने ससुर को मारा था, उसे खत्म कर दो। क्या बात है भैया? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जानता हूं, कुछ ऑफिस की टेंशन है। तो ठीक है, मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूं। पहला, सच बताइए, और दूसरा, झूठ मत बोलिएगा। तो तुम मानोगे नहीं? नो चांस।
मेरे बॉस का एक आदमी की वजह से 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। वो चाहते हैं मैं उसे पकड़ूं। तो पकड़ लो। उसकी शक्ल सूरत पता होती तो पकड़ता ना। इसमें इतना सोचना क्या है? मुझे उनके पास ले जाइए और कहिए कि यही है वो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कितना टेंस हो जाते हो, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता भैया। एक बात बताइए, एक आदमी की वजह से 200 करोड़ का नुकसान कहां? तुम ये सारी बातों में उलझ रहे हो, अपने बारे में बताओ। क्या बताओ? प्रिया के बारे में? उसके बारे में सिर्फ दो ही चीजें पता है, एक उसका नाम और दूसरा उसका एड्रेस। उसके दिल में क्या है पता है? क्या वो तुम्हारे साथ खुश तो है ना? वही तो समझ में नहीं आ रहा, उसकी आंखें कुछ और कहती है और जुबान कुछ और। तब तो प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम? जब दिल में कोई बात छुपी होती है ना, तब अक्सर लोग ऐसे बिहेव करते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ खुशियां बांटना ही प्यार नहीं, उसके दुख भी बांटना सीखो। उसकी प्रॉब्लम क्या है पता करो और उसे दूर करने में उसकी मदद करो। प्यार सिर्फ जताने से नहीं, प्यार करने से बढ़ता है। आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। जा सो जा। हेलो। ठीक है, मैं आ रहा हूं। एंड्री, लेट्स गो। भैया, कार की चाबी। इस वक्त कहाँ जाना है तुम्हें? आप ही ने तो कहा था उसकी प्रॉब्लम समझ लूं। ओके, टेबल पर रखिए, ले लो। ओके, सी यू। बाय। क्या हुआ एंड्री, हर जगह ढूंढ लिया? सिर्फ तुम्हारा घर बाकी है। मजाक सूझ रहा है, चल गाड़ी चला। क्या ढूंढ रहे हो राज? भैया ने कहा था कि कार की चाबी यहीं कहीं रखी है। यहाँ रखी है। ओह, थैंक यू भाभी। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अरे भाभी, मैं जा रहा हूँ प्रिया से मिलने के लिए। उसके पापा से बात कर लूंगा, जल्दी से शादी कर लूंगा और बहुत सारे बच्चे। भाभी, आपने कभी बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि तुम ही हमारे बच्चे हो। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वो इस पोस्टर को देख रहा था। उस दिन हमने उसको ड्रैग रेस में भी ढूंढा था। उसने माइकल को इसी से मारा था। माइकल का अंदाज गलत था कि वो इस ड्रैग रेस में आएगा। अगर वो इस ड्रैग रेस में आता तो माइकल अभी जिंदा होता। मुझे लगता है वो शहर छोड़कर जा चुका होगा। एनीवेज, अपने पुलिस कॉन्टैक्ट यूज करो और मालूम करो कि पिछले 4 दिन में कितने इंडियंस शहर से बाहर गए हैं। फ्लाइट्स का मैं मालूम करता हूँ, ट्रेन और रोड्स को तुम संभालो। सर, खाना खाने के बाद टहलने के लिए इतनी दूर क्यों आए हैं? झुको। आपके इरादे नेक नहीं लगते। ए, चॉकलेट की दुकान, बहुत सवाल पूछ रहे हो। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को फोन करना पड़ेगा। मैं तो क्या, मेरे बाप भी नहीं पूछेगा। चॉकलेट कपूर, ओए लॉलीपॉप। मैं तो यहाँ झुका हुआ हूँ सर। उठ जा। आधी रात को मेरे लेफ्ट राइट क्यों ले रहे हो सर? सोचा था तुझ पर पैर रखकर दीवार कूद जाऊंगा, पर यहाँ तो दीवार है ही नहीं। लास्ट टाइम आए थे तो क्या उड़ के गए थे? लास्ट टाइम मेन गेट से गया था ना। ओ, गेट से। मैं जाकर आता हूँ, तुम नजर रखना। जब दीवार ही नहीं है तो गेट क्यों बनाया? फूटी किस्मत। Hey old man, what are you doing here? My friend, help, diwar, jump, 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 helping sir. Robbery? No, robbery sir, I'm Blackberry. Freeze! You're under arrest. Don't move. Just a minute. Super, you want? I don't want. Khao na, apne haathon se khilata ho. Ye kya baat hui? तो मैं चॉकलेट नहीं खानी थी, प्यार से मना कर देती। ब्लैकबेरी बोलने पे अरेस्ट कर लोगे। आई वॉन्ट माई लॉयर राइट नाउ।
मैं ऊपर तक जाऊंगा, पूरी दुनिया को हिला कर रख दूंगा। मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा के कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। कल परसों तक इंतजार क्यों, आज ही भाग लेते हैं। उधर नहीं, इधर देखो। भक्त बिंदास। भक्त रामदास। भक्त बिंदास, यहाँ आओ। तुम आ जाओ। रुको, ओ वहीं रुको। यह है जेल, यह है ब्रुकलिन ब्रिज, यह है मैनहट्टन और यह है सिटी ऑफ सेंटर और ये तो तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकता। तुम्हें भी चलना पड़ेगा। व्हाई? अगर मैं अकेला भागा तो बाद में पुलिस आएगी, तुमसे सवाल पूछेगी, तुम मेरा प्लान उन्हें बता दोगे, फिर वो उसी सुरंग से घुसकर मुझे पकड़ लेंगे। इसलिए तुम्हें मेरे साथ भागना पड़ेगा। इन केस इफ आई डोंट कम, तुम्हें सुरंग में ले जाने के बजाय सीधे ऊपर पहुंचा दूंगा। What happened? वहां बैठ के क्या लिख रहे? प्रेम कहानी बालक। प्रेम कहानी? इतनी अच्छी एक्टिंग तो कोई फिल्म में भी नहीं करता। बॉलीवुड जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, इसकी बॉडी पर जेल से भागने का पूरा मैप बना हुआ है, वो भी पूरा डिटेल में। मैडम, जेल का हर कोना इसके पेट पे छपा है। आप बाहर ही खड़ी रहो, मैं अंदर से दिखा दूं आपको। और सारे ढोंगी पाखंडी बाबा कहीं के, चल मैडम को नक्शा दिखा। दिखा नक्शा, दिखा ना। अब क्या हुआ? अच्छा, सारे अभी दिखाता। अबे कबूतर बाबा है कि जादूगर? ये तो एक महान इंसान है, मेरी गलती है, दोबारा नहीं होगी, तुम्हारी कसम। डोंट प्ले गेम्स। लो, खुली आंखों से झटके दे रहे हो। ये क्या है? जेल, ब्रुकलिन ब्रिज, मैनहट्टन, सिटी ऑफ सेंटर। इसकी जरूरत नहीं है बाबा जी, आज ही रात को जेल तोड़ के भाग जाएंगे। तीन दिन की मोहलत खत्म हो गई है, आज के बाद से हर दिन तेरा एक बिजनेस खत्म हो जाएगा। अब तू अपने सारे बिजनेस गिन ले और दिन भी। मेरा मोबाइल में टेबल पर भूल गया हूँ। हाँ जी, तुमने केली के साथ पंगा लिया है, इसलिए तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं होगा। सारे डील्स क्लोज। She is pretty. Excuse me, it's Rajiv's phone. वो भूल गए थे। Thank you. Body का एक पार्ट रोज खराब होने लगे तो हम ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। वक्त बहुत कम है। हरी अप राजीव। तुमने जेल में कहा सिर्फ 100 मीटर भागना है। अरे
अगर इतना ओलंपिक में भागते तो गोल्ड मेडल मिलता। चंबल के डाकू मंगल फंसा दिया इन जंगल। कोई खतरनाक जानवर आ गया तो हमें तो जंगली भाषा भी नहीं आती। अरे बाप रे, ये तो शेर की आवाज है। यहाँ जो आता वापस नहीं जाता। ये वन वे है क्या? यहीं से नर्क का द्वार है। नर्क का? पर मैं तुम्हारे जैसा डाकू दरिंदा थोड़ी ना हूँ। आजकल इस दुनिया में ईमानदार मरता है और लुटेरों का राज चलता है। अरे यहाँ पर राज करने वाला आ गया। अरे तुम अंपायर हो जाओ, उनका इशारा कर रहे हो। देखो ये क्रिकेट की भाषा नहीं समझता, ये मेरी तरफ आ रहा है। इस आदम खोर शेर को मारो। ये गालिब का शेर है कि मार दो। मत मारो, ये तुम्हें मार देगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। इसने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं 10 कदम पीछे बढ़ाऊंगा। सॉरी, लगता है ये जंगली थोड़ा हंगरी है, मेरी बात नहीं सुनेगा। साले कसाई। प्लीज शेर जी, काइंडली रिक्वेस्ट यू कि मुझे छोड़ दीजिए। मेरा खून पी के क्या मिलेगा? मेरा खून ठंडा हो गया है, सूख गया है। मेरे ब्लड रिपोर्ट में लिखा है मेरे में विटामिन ए टू जेड सब कम है, मुझे छोड़ दीजिए। देखा शेर को कैसे चूना लगाया? वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। अरे ये सीन तो स्क्रिप्ट पे नहीं था। नया सीन क्रिएट करना चाहता। तुम कर लो, फिल्म हिट होगी। लगता है आज इसका कोल्ड ड्रिंक पीने का मूड है। अरे अरे मुझे चाट रहा है, अब ये काटेगा। मेरी पैंट फाड़ रहा है, प्लीज मना कर दो इसे। मेरी पैंट उतर जाएगी, लूज है। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखने को जी कर रहा था इसीलिए आ गया। पिज्जा खाओगी? अरे सुनो तो। प्रिया, एक कब तक ऐसे चुप चुप कर मिलेंगे? बता दो ना, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये तुम्हारे लिए पानी में कूद पड़ा, तुम्हारे लिए फाइटिंग की। अपने डैड से इंट्रो करवाओ ना। एक काम करते हैं, मैं बता देता हूँ। मैं बता दू अंकल, दोनों कितने प्यार से किस कर रहे हैं ना। सॉरी, ऐसा सिर्फ दो सच्चे प्रेमी ही एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अरे प्रिया, अंधेरे में तुम्हारा चांद जैसा चेहरा नहीं दिख रहा है। ए बापू आ गए। कितना अच्छा लग रहा है। मार ही डालोगी। ए, क्या हुआ प्रिया? अरे सॉरी सॉरी प्रिया, आर यू ओके? प्रिया यहां क्या कर रही है? यहां क्या करने आई हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मॉम की मेमोरीज। मेमोरीज? जल्दी ही तुम्हारी शादी होने वाली है और अभी भी तुम इन सब में उलझी हुई हो, हैं? बच्ची नहीं रही अब तुम।
हाय। अरे फिल्मों की हीरोइन की तरह क्यों शर्मा रही हो? अभी तो मैंने अपने प्यार का तुमसे इजहार भी नहीं किया है। चलो मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ। मुझे पता है तुम क्या बोलोगे। चलो इस बार ऑप्शन नहीं देता, पर शादी से पहले कुछ चीजें क्लियर हो जाए तो अच्छा है। अपनी पसंद या घर वालों की, पैसा चाहिए या प्यार, ये सारी चीजें सोचकर ही डिसीजन लेना, ठीक है ना? एक बात और, उस रात जब मिस ब्रिज के पास से तुम रोती हुई चली गई थी, तब उसकी वजह पता नहीं थी, पर अब पता चल गई। तुम्हारी मॉम ने आत्महत्या नहीं की थी। मुझे इस बात का तब पता चला जब मैंने ये रील देखी। सॉरी प्रिया। हैप्पी बर्थडे बेटा, आज का दिन बहुत स्पेशल है। मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ये वीडियो भेज रही हूँ, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आ पाऊंगी, तुम्हारे डैडी की एक बिजनेस पार्टी है, मुझे उसको अटेंड करना ही पड़ेगा। तुम तो उन्हें जानती हो, हम दोनों में बिल्कुल नहीं बनती, हम दोनों में लड़ाई होती रहती है। अगर तुम हमारी लड़ाई देखती तो तुम्हारा शादी पर से विश्वास उठ जाता, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने से दूर बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। मैं तुम्हारे अलावा इस दुनिया में किसी और से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकती। एक और बात, जिससे तुम प्यार करती हो उससे शादी मत करना, जो तुमसे प्यार करे उससे शादी करना। आपने देखा क्या हुआ? मैं डैडी को बताती हूँ। नो 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 नो, डोंट क्राई। हाय। तुम कहाँ हो राज? मैं तो घर पर हूँ, पर तुमने अचानक मुझे फोन कैसे किया? लगता है गुड़ी पड़ गई। नहीं, तुमसे मिलकर कुछ बताना है। सेम फीलिंग मेरे दिल में भी हो रही है, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो ना। ऐसी बातें फोन पर नहीं की जाती, मिलकर ही बताऊंगा। ये क्या है राज? ये घर का प्लान है, जहाँ मैं और वो लड़की रहेंगे जिससे मैं प्यार करता हूँ। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। ये है मम्मी डैडी का, मेरा मतलब भैया भाभी का रूम, वही मेरे माँ बाप है। ये है हमारे बच्चों का रूम, एंड दिस इज माई मास्टर बेडरूम, वहाँ होगा स्विमिंग पूल, और वहाँ पीछे मेरे ससुर का रूम होगा, कभी बेटी की याद आए तो आ सकते हैं। और यहाँ होगा टेरेस स्पेशली मेरे लिए, हम दोनों के लिए, तारों की छाव में एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हम दोनों करीब आ जाएंगे, उसका हाथ मेरे हाथों में और मेरा। वो लड़की कौन है? पहले ये बताओ मेरे घर का प्लान कैसे लगा तुम्हें? पहले बताओ वो लड़की कौन है। अब कैसे बता दूं कि वो कौन है, मैं तो अब तक ये भी नहीं जानता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। तुम्हें अब तक पता नहीं चला राज कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? तुम कौन हो? लुकिंग ब्यूटीफुल, चॉकलेट चाहिए? नो, आई गॉट टू चॉकलेट्स फॉर टू गर्ल्स। ओके मूव। ढोंगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैप है मेरे पास, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। फिल्मी साला, कौन सी फिल्म से डायलॉग चुरा के बोल रहा है? जाफर का मैप, जाफर का ट्रैप और जाफर का लैब कभी खाली नहीं जाते। क्या मतलब? नहीं समझे तुम? नो, मैं समझाता हूँ। गर्ल्स कम, अच्छी लगी? कमाल है। मगर मैप इनसे भी मस्त है। किसम से? होल्ड योर हेड, बॉडी मैप यहाँ देखो। ये है ओबामा का व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस मतलब? अभी बताता हूँ, अपनी उंगली दो। करंट लगा ना। 840 का। ये है प्रेसिडेंट का बेडरूम। एसी का कनेक्शन यहाँ से आ रहा है। ठंडा लग रहा है, एकदम कूल। हम एसी वाले रास्ते से यहाँ बेडरूम में आएंगे। सिर्फ हम दोनों? और ये दोनों?
बाप का माल है। अबे तू क्या रख के? अबे खदे कहीं के हम प्रेसिडेंट को उड़ाने जा रहे हैं। गुलशन उड़ाने नहीं, ढिचकियाँ। कैसा मेरा चॉकलेट? तुम्हारी ही कमी थी। तुम ही कहो कैसा होगा चॉकलेट। तुम मुझे MMS दिखा के डराते हो और ये मुझे मैप दिखा दिखा के डराता है। जो आता है बजा के जाता है। नरक है जिंदगी। अबे कैंडी कपूर, प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ? एक प्रॉब्लम हो तो बताओ ना भाई। इतनी सी बात है, मैं हैंडल कर लेता हूँ। हो जा 1-2 का 4। बनारस की साड़ी पसंद तुझे संतरे तो सोच निकलने के पैंतरे। बगड़ पतली गली मची खली वली। ओहो, वंटास फुटास हो गया उदास। अभी चक्कर थोड़ी शक्कर हो जा रफू चक्कर। सच मुझ हूँ हवा का झोंका। किसने तुझे रोका? ओके कम ऑन गर्ल्स। ए मेरी वाली को कहाँ लेके जा रहे हो? कौन सा चॉकलेट दिया है तुमने उन्हें? ये अंदर की बात है, मैंने खिलाया इन्हें बार वन। चलो मेरे साथ आओ, आ जाओ। तुमने उसको कौन सी भाषा में समझाया भाई? सच्चाई बताई, यही कि तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो और तुम जैसा बेवकूफ दोस्त होने से अच्छा होशियार दुश्मन होता बस, है और... कितनी तारीफ करोगे आप? लेकिन अब मैं कभी आपका काम नहीं करूंगा। एक्चुअली MMS... नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था जनाब। आपका हुक्म तो सर आंखों पर। अरे मेरी पेपरमिंट, मैं कहने आया था कि मैंने MMS डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया MMS को? ऐसा क्यों? मैंने वो इंटरनेट पर डाल दिया तो सोचा फोन में रख के क्या फायदा। लग गए। हमारे साथ बिजनेस नहीं करेगा उसका यही अंजाम होगा। क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी है जो मेरे साथ बिजनेस नहीं करेंगे? सॉरी। तुम्हारी फैमिली कैसी है? अच्छी है सर। वो लड़का मिला या नहीं? ढूंढ रहे हैं सर। अभी तक नहीं मिला? एक ही जवाब कब तक देते रहोगे राजीव? मुझे तो डाउट है कि तुम उसे पकड़ भी पाओगे या नहीं, नहीं या तुम उसे पकड़ना ही नहीं चाहते। उसे मारने में जितना मर्जी टाइम ले लो, लेकिन ढूंढने में टाइम मत लो, क्योंकि मुझे केली को भी जवाब देना है। हाय स्वीटहार्ट। अरे ये क्या हुआ? क्या स्वीटहार्ट, तुम्हें कितनी बार बोला है सब्जियां काटते टाइम ध्यान दिया करो। दर्द हो रहा है? ये तो राज के स्केटिंग शू से कट गया था। राज के? उसने माइकल को इसी से मारा था। एंड्रे। हाँ राजी। उसने आइस स्केटिंग शू से ही माइकल को मारा था। हाँ क्यों? आइस स्केटिंग रिंग उसी ऑर्चर्ड मॉल में है। उसने कॉफी भी उसी मॉल से ली थी और स्केटिंग शूज भी। वहीं उसे ढूंढो, मिल जाएगा वो। क्या?
गाड़ी में बैठ जाओ। इसमें? इसमें, हाँ हाँ इसमें बैठ जाओ, बैठ जाओ जल्दी। Are you sure? हाँ हाँ I'm sure, चलो। शादी से पहले ये सब करना पाप है यार, इट्स रॉन्ग। प्रिया कबाब में हड्डी। अमित प्रियाज फियांसे। He's Raj, my boyfriend. प्रिया एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी शादी अमित से फिक्स हो चुकी है। अब उस लड़के से ना मिलो, उसी में उसकी भलाई है। ओके? I love him, Dad. Shut up. मैं राज को पसंद करती हूँ, Dad. I love him. दो कौड़ी के लड़के के लिए मेरे सामने आवाज उठा रही हो? आपने भी तो आवाज उठाई थी, मम्मी से शादी करने की इज्जत आपने भी तो की थी। उसे तैरना नहीं आता, फिर भी मुझे बचाने के लिए वो नदी में कूद गया। अगर मैं उससे बात ना करूं तो आधी रात को देखने आता है कि मैं ठीक हूं या नहीं। अगर मैं खाना ना खाऊं तो जबरदस्ती खिलाता है। मैं दुखी होती हूं तो मुझे संभाल लेता है, और गुस्सा होती हूं तो हंसा देता है। मुझे लगता था कि सिर्फ जब हम दुखी होते हैं तभी आंसू आते हैं, पर राज के साथ मैंने जाना कि खुशी में भी आंसू आते हैं। आई लव हिम डैड, I really love him, Dad. मम्मी की डेथ के बाद मैंने अब दोबारा हंसना शुरू किया है, डैड, और आपने तो इसे नोटिस भी नहीं किया होगा। आपने कभी सोचा है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद? आपके पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है? आप मेरी शादी अपने जैसे आदमी के साथ फिक्स कराना चाहते हैं ना? मैं ये शादी नहीं करूंगी, मुझे राज चाहिए, सिर्फ राज चाहिए। हो गया बोल के तुम्हारा, हो गया बोल के। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारी और अमित की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। अब ना तो डेट चेंज होगी और ना ही मेरा डिसीजन। अंकल डोंट वरी अमित, शी विल बी ऑल राइट। नादान है, दुनियादारी की समझ नहीं। प्रिया की बात मान लीजिए अंकल, उसके बारे में इतना कह रही है तो उसे एक बार मिलने में क्या हर्ज है? What? बात दिल की है, बिजनेस की नहीं। बुलाओ उसे। खुश? दो करोड़।
डर लग रहा है राज, मुझे नहीं लगता डैड हमारी शादी के लिए इतनी आसानी से तैयार होंगे। तुमने अपने डैड को तो बता दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हमने तो एक दूसरे को आई लव यू तक नहीं कहा। एक्चुअली इसी का नाम तो प्यार है। हमारे मॉम डैड, हमारे भाई बहन, उन्हें भी तो हम कभी आई लव यू नहीं कहते, क्योंकि वो कहने की जरूरत नहीं होती, बस फीलिंग्स ही काफी होते हैं। अच्छा ये बताओ, 10 मिनट पहले हम क्या बात कर रहे थे? इस ब्रिज पर से हुई मेरी मॉम की डेथ के बारे में बात कर रहे थे। अब क्या बात कर रहे हैं? यही कि शायद मेरे डैड हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। अगले 10 मिनट में क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? देखा तुमने, आगे हम किस चीज की बात करेंगे ये सोचकर तुम कितनी एक्साइटेड हो गई हो। लाइफ को भी ऐसे ही जीना चाहिए, हर पल में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तुम्हारे डैड अगर नहीं माने ना, तो मैं उन्हें 2 ऑप्शन दूंगा, या प्रिया की शादी मुझसे करवा दो या मेरी उससे। ओके अंकल, मामला बहुत ही सिंपल है, वी आर इन लव। जैसे मैं सबको 2 ऑप्शंस देता हूं, आपको भी 2 ऑप्शंस दूंगा। नंबर 1, प्रिया को मेरे घर की बहू बनाइए। नंबर 2, मुझे अपने घर का दामाद बना लीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो जंग छिड़ जाएगी। जंग छिड़ जाएगी? रोड साइड गुंडों से लड़कर अपने आप को 30 मार खा समझते हो? यही सिखाया तुम्हारे पेरेंट्स ने? पेरेंट्स को इस बीच में लाने की जरूरत नहीं। एक ही शर्त पर शादी हो सकती है, तुम्हें घर जमाई बनना होगा। राज, घर जमाई क्यों बनेगा? हम कोई अरे कह रहे हैं क्या? अमित 5,000 करोड़ का मालिक है, तुम्हारे पास क्या है? एजुकेशन है? काफी नहीं है। दिल में प्यार है? काफी नहीं है। मेरे पास भाई है। देखो, मानता हूं कि शादी के लिए प्यार की जरूरत होती है, लेकिन जीने के लिए पैसा चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। ये शादी नहीं हो सकती। अरे प्रिया, भैया मजाक कर रहे हैं। भैया आप भी ना। हाँ रो मत, मैं थोड़ा कैरेक्टर में घुस गया था। वैसे अगर तुम्हारे डैडी ने मना कर दिया तो ये तुम्हें भगा कर ले जाएगा। हाँ, क्यों? बिल्कुल। तुम तो चुप ही रहो। अरे मैं तो बस उसको शट अप। मुझे 5,000 करोड़ नहीं, आपकी जैसी फैमिली चाहिए। लेकिन भाभी, मुझे तो प्रिया के डैड के पैसे चाहिए, प्रिया नहीं चाहिए। सर आपने बुलाया? कम राजू, कल वो लड़का आपके सामने होगा। कल तक नहीं, 1 घंटे में होगा। अच्छा हुआ राजीव, हमने उसको नहीं मारा। सच में बहुत अच्छा हुआ, करोड़ों का नुकसान हो जाता। उसे मारने के पैसे मिल रहे हैं हमें। क्या कह रहे हैं सर? आम भी खाओ और गुटलियों के दाम भी पाओ, दुश्मनी भी निकाल लो और पैसे भी कमा लो, यही है साला। ये बिल्कुल एंड्रे ने पहचाना, मासूम लगता है ना? साले ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। इतने लोगों को इसने मारा? कोई शक है? ये दुनिया वाकई अजीब है। एक लड़की को बेचो या एक आदमी को मारो, पूरे 2 करोड़ मिलते हैं। कमाल है ना? सर मुझे मेरी वाइफ को अर्जेंटली फोन करना है। कम ऑन राजीव, इट्स पार्टी टाइम। आपने मुझे एयरपोर्ट क्यों बुलाया? वो भाग रहा है, उसका पीछा करो। ये तुम्हारी पासपोर्ट और टिकट्स है, इंडिया चले जाओ। क्या कहा? इंडिया? पर क्यों? जितना कहा है उतना करो। भैया मैं ऐसे चला गया तो प्रिया क्या सोचेगी? प्रिया को मैं समझा दूंगा। भैया अगर आपको प्रिया और मेरे प्यार से कोई प्रॉब्लम है तो। तू तो मेरी जान है, तेरे प्यार से मुझे क्या प्रॉब्लम? पर अभी जा।
भैया मुझे वजह बताइए, मैं अभी चला जाऊंगा। इतनी बहस मत कर, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने बोला ना जाओ। आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है, बस एक बार बताइए मैं चला जाऊंगा। आज तक तेरी हर बात मानी है मैंने, आज मेरी बात मान ले, बिना कोई सवाल किए चला जा, इसी में भलाई है। जरूर कुछ गड़बड़ है। तुझे मेरी कसम है, चला जा यहां से। नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं अमित? I'm really worried. Don't worry. सब कुछ ठीक हो जाएगा. मैं हूं ना? मुझे इंडिया क्यों भेजना चाहते थे और ये लोग आपकी जान के पीछे क्यों पड़े थे? जैसा तुम समझते हो मैं वैसा आदमी नहीं हूं। मैं आरडी के लिए काम करता हूं। मैं तुम्हारी भाभी के पापा के रियल एस्टेट बिजनेस में काम करता था और एक दिन बिजनेस कोई भी करे, कैसा भी करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी मेरा कंपेटिटर नहीं बनना चाहिए। जो भी कंपेटिटर बनेगा उसे मरना पड़ेगा दोस्त। एक्चुअली मुझे पहले तुम्हें मारना चाहिए था, पर इसकी सक्सेस के पीछे ब्रेन तो तुम हो। तुम्हें मारने से कोई फायदा नहीं होगा और इसके मरने से कोई नुकसान नहीं होगा। फायदे में रहना चाहते हो या नुकसान में? अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं तुम्हारे साथ
तुम्हारी फैमिली को भी मार दूंगा। शूट हिम, शूट हिम, शूट हिम, कम ऑन, शूट, शूट हिम, शूट, शूट हिम, शूट हिम। गुड शॉट, वेरी गुड। आरडी ने मुझे धमकी दी थी कि उसका कहा नहीं माना तो मेरी फैमिली को मार देगा। अगर मैंने जॉब छोड़ी तो वो जान ले लेंगे मेरी। बचने का कोई रास्ता नहीं था, उनसे लड़ने की ताकत नहीं थी, और क्या करता मैं? आपको मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। मैं तुम्हें कैसे बताता राज, मैं अपने छोटे भाई को जानता हूं। मुझे मुसीबत में देखकर तुम चुप नहीं बैठते, मुसीबत और बढ़ जाती और तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं और तुम्हारी भाभी तो जीते जी मर जाते, समझे तुम? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कितनी बार कहा है इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहा करो। तुमने अपनी भाभी से पूछा था ना कि हम बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते, ये सवाल सुनकर उनको उनको कितना दुख हुआ जानता है? भाभी आपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा? इस सब की वजह से हमने कभी बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं। उसने ये बात दिल में दबा कर रखी। पिछले 11 साल से नरक झेल रहे हैं हम दोनों। मैं तुम्हें इस नरक की दलदल से बचाता रहा, फिर आरडी ने मुझे तुम्हें मारने को कहा। मुझे? वजह क्या है? आरडी कहाँ मिलेगा? नहीं राज, तुम उसे नहीं जानते। वो अभी मुझे नहीं जानता। हम यहाँ से इंडिया चले जाएंगे। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। अब वो हमसे डरेगा, मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा। वो हमें मार देगा। उससे पहले मैं उसे मार दूंगा। Well done, राजीव, आखिर तुम अपने भाई को मेरे पास ले ही आए। तुम वाकई वफादार। मैं इसे यहां लेकर नहीं आया, ये मुझे यहां लेकर आया है। तेरी वजह से मैंने पैसे गंवाए, रेपुटेशन गंवाई, बिजनेस गंवाया और अब जान भी गंवाएगा। कैसे मारेगा मुझे? आंखों से ख्वाब देख रहा है? कैलकुलेट कर रहा था तुझे कैसे मारूंगा। 8 लोग हैं, 20 सेकंड्स मैक्सिमम। Thank you.
फिगर, स्किन टोन, ब्यूटीफुल। इसको बेचने के बाद तो जिंदगी भर काम ही नहीं करना पड़ेगा, है ना राजीव? तूने मेरे लोगों को मारा एक ऐसी लड़की के लिए जिसे तू जानता तक नहीं, तेरी सबसे बड़ी गलती। क्या मैंने कोई जोक सुना है? नहीं आरडी, दरअसल मैं सोच रहा था कि बिना बैसाखी के तू कैसा लगेगा। तुझे पता है मेरी ये टांग कैसे टूटी थी? पहली का तो पता नहीं, पर दूसरी मैं तोड़ूंगा। आरडी, ये मेरा शिकार है। जानता है मैं कौन हूं? कैसे बच्चों जैसे सवाल कर रहा है? तेरी मां ने नहीं बताया तू कौन है? तेरे अंदर कुछ तो बात है। ये लड़का हमारे बिजनेस में काम आ सकता है। तुम्हारा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया, तो इसका भाई जिंदा क्यों बचे? केले हम केले। इंतजार किस बात का? देख आरडी, मैं तुझे दो ऑप्शंस देता हूं। सिगार जलाकर मरना पसंद करेगा या फिर बिना सिगार जलाए? आई मीन स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तूने सोचा होगा आरडी मुझे मार देगा, जिस दिन प्रिया ने तुझे अपना बॉयफ्रेंड बताया था, जी तो कर रहा था कि उसी वक्त गोली मार दूं, पर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने आरडी को 2 करोड़ की सुपारी दी। मुझे इसकी लाश चाहिए। प्रिया सिर्फ मेरी है। Ugh!
अगर मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं होगी। स्विमिंग कब सीखी? किसने कहा मुझे स्विमिंग नहीं आती? तो फिर उस दिन तुम अगर डूबते हुए कोई खूबसूरत लड़की बचा ले तो कौन स्विमिंग करना चाहेगा? प्रिया, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो हम घर जाकर गाना गाएं या फिर घर जाते हुए। घर जाते हुए गाते हैं।